जय गुरु बाबा प्रवचन नंबर 122। एवं बहनों, आप लोगों ने कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ा दिया। प्रतिदिन जनता अधिक से अधिक समुद्र की तरह उमड़ती जा रही। आज रविवार का दिन है, आप लोगों ने जो अवकाश मिला, छुट्टी मिली, उसको निष्फल नहीं खोया। गीता भवन में गीता की छिपी हुई बातों को जानने की चेष्टा की। अब मैं एक बात आपको बतलाने का यत्न करूंगा। अगर कोलाहल करते रहे तो रह जाएगी वो समझ में नहीं। कल मैं चले जाऊंगा, कल मुझे जाना है। आज का दिन आपके साथ हूं, इसलिए एक बड़ी आपको नई बात सुनाना चाहता हूं। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में लिखा, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणी नैतुं वेद परं तप। भगवान अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तेरे और मेरे एक साथ बहुत से जन्म हुए, मैं उन्हें जानता हूं और तू नहीं जानता। मैं सर्वज्ञ हूं, तू अल्पज्ञ है। अल्पज्ञता के कारण उन जन्मों का तुझे पता नहीं और मैं उन जन्मों को जानता हूं। अब ये गीता का श्लोक है। इस तरह की गीता में कई एक ग्रंथियां हैं। मैंने गुरुदेव से कहा, महाराज बहुवचन जहां हो वहां कम से कम 3 तो अवश्य होने चाहिए। जन्म तो यहां 2 ही है, एक नर नारायण, दूसरा कृष्ण अर्जुन। बहुनी में व्यतीता ने ये कैसे कह दिया? गुरुदेव ने बतलाया कि बेटा, कृष्ण अर्जुन का अवतार होने से पूर्व और नर नारायण के अवतार के पीछे बीच में एक छिपा हुआ भगवान का जन्म है, जिसको कोई टीकाकार नहीं भी नहीं जानता और कथाकार भी प्राय उसको छोड़ ही देते। और आप लोगों ने भी गीता के हिंदी के अनुवाद, इंग्लिश के अनुवाद, संस्कृत के टीका पढ़े, पर शायद ही वो तीसरा जन्म किसी को पता चला हो, वो तीसरा जन्म कौन सा था। अभी आप विचार करेंगे कि वो तीसरा जन्म कौन था। कुछ लोग ये कह दिया करते हैं कि महाराज, पुराणों में जो लिखा होगा वही तो हम मानेंगे, जो ऊपर की बातें हैं उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। आजकल आप जानते हो, गांधी के, इंदिरा के, नेहरू जी के जो ऊपर की बातें हैं वो अखबारों में आती हैं, जो उनका अंतरंग जीवन है उस पर तो सेंसर लगा रहता, अखबारों की मजाल कह के लिखते। इसी तरह भगवान का जीवन, भगवान व्यास तो उतने ही लेखनी में ला सके, सेंसर लगा हुआ था, जितने के लिए आज्ञा थी उतनी वो उनकी लीला लिख सके, जिनके लिए संकेत नहीं था वो कथा पुराणों में नहीं आ सके, इसीलिए पता नहीं चलता वो तृतीय जन्म कौन। आपको पता हो, भगवान के अंतरंग सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी हैं भगत। जो बातें पुराणों में न हो, जो वाल्मीकि रामायण में न हो, जो वेदों में न हो, धीरे से भगवान भगत के कान में कह दिया करते अपनी छिपी हुई लीला। इसलिए एक भगवत भक्त के कथनानुसार और गुरुदेव के योग साधना द्वारा अवगत तत्व के आधार पर मैं आपको वो तीसरा जन्म बतला रहा हूं। कृष्ण अर्जुन तो आप जानते ही हैं, उससे पहले नर नारायण के रूप में बद्री नारायण में तपस्या की, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं। अब वो तीसरा जन्म कौन सा?
और है तीन दो नहीं, क्यों गीता में नहीं लिखा, वेद में भी लिखा है, वेद ऋग्वेद मंडल सात सूक्त छप्पन मंत्र एक, वहां साफ लिखा है नकीर हेशाम जनून सी वेद ते अंग विद्रे मिथो जनित्रम। ऐ प्रभु, इन जीवों के सेवा के समय जो आपके साथ जन्म होते हैं, कोई भी जीवात्मा उनको नहीं समझ पाता। ऐ प्यारे कृष्ण, उस फर्श पर सेवा के लिए भक्तों के साथ आपके जो जन्म होते हैं उसको आप ही जानते हो। इसी का अनुवाद गीता ने किया, इसीलिए प्रातः काल मैंने गीता को वेद पुत्री कहा था। अब वो तीसरा जन्म क्या है? तीसरा जन्म ये था कि कृष्ण अर्जुन अवतार से पहले और वो नर नारायण अवतार के पीछे भगवान अर्जुन एक बार बहुत बड़ा सेठ बन गया, और इतना सेठ बना उसके पास जितना धन था वो उसको अपने उपयोग में नहीं लाता था और विलासिता के लिए खर्च नहीं करता था। कहीं पाठशालाएं खोल दी, सदा व्रत चला दिए, संतों की सेवा आरंभ कर दी, कहीं गीता भवन बनाए, कहीं वेद भवन बनाए, कहीं हॉस्पिटल संचालित किए। उसने अपने जीवन का व्रत केवल धर्म सेवा बना लिया। गवर्नमेंट तो जसूस रखती है कि कोई राजा के प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र न हो रहा उसका पता लगाए। उस सेठ ने जो अर्जुन उस सेठ के रूप में था, जसूस रखे कोई मेरे शहर में भूखा प्यासा न रहे। जसूस पता लगाते थे कि अमुक आदमी भूखा है, अमुक प्यासा है, अमुक ब्राह्मण की कन्या वर के योग्य है परंतु धनाभाव के कारण शादी नहीं हो रही, अमुक जगह बाबे की धर्मशाला अटकी हुई है, अमुक जगह हॉस्पिटल रुका हुआ है। तो ये रिपोर्ट आने पर तत्क्षण उस कार्य को पूरा कर देते थे। भगवान हमारे कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, वो टेढ़ापन से बाज नहीं आते। इससे टेढ़ापन क्या होगा? देखिए, गुरु बैठता है सिंहासन पर, शिष्य बैठता है नीचे हाथ जोड़कर। यहाँ चेले को तो बिठाया रथ पर और स्वयं सारथी बन गए। चेला गद्दी पर बैठा हुआ है, गुरु बेचारा रथ हांक रहा है, जिससे अधिक टेढ़ापन क्या होगा। और ये भी बतलाया कि भावी में भारत में गौरों का, गौर वर्णों का, पाश्चात्य अंग्रेजों का शासन होगा। कहते गोरे को गुरु नहीं बनाना, काले को ही कृष्ण को गुरु रखना। अर्जुन नाम है सफेद का, अर्जुन है चेला और कृष्ण है गुरु। भारत है जगत का गुरु और बाकी जितने पाश्चात्य देश हैं वो इसके शिष्य हैं। कहने के गलती ना कर बैठना, गोरों को गुरु ना बना लेना। ये भी बदलाया। अब भगवान बांके बिहारी टेढ़ापन से बाज नहीं आए, एक जंगल में बूढ़ा ब्राह्मण बनकर बैठ गए और इतने कमजोर कि मृत्यु की घड़ियों की गणना कर रहे हैं। ये भी संशय है कि एक श्वास तो लिया, दूसरा श्वास आएगा या नहीं। बहिर्निस्वृत्ति सख्वा से विश्वास परिवर्तन है। जब ये श्वास बाहर जाता है, क्या विश्वास है वापस लौटेगा या नहीं? ये खाली उसी के लिए, आप और हमारे सब के लिए। ये जीवन क्षण भंगुर है, इसका कोई विश्वास नहीं। अर्जुन भी वो सेठ के रूप में वहां पहुंच गए और वृद्ध ब्राह्मण को देखा, बड़ा शक्त है और मृत्यु काल की गाल में जाने के क्षणों की गणना कर रहा है। प्रणाम किया, महाराज आप यहाँ क्यों इस दीन दशा में पड़े हो? क्रोध से कहते हैं, यहाँ के बड़ा नीच सेठ, वो नाम कमाना चाहता है, लोग अगर कोई सेवा करना चाहते हैं उन्हें रोक देता है कि आप लोग रुक जाओ, सब सेवाएं मेरे द्वारा की जाएंगी, और स्वयं भी नहीं करता, दूसरों को भी रोकता रहता है। मैं तीन दिन से जहां पड़ा हूं, मुझे ना अन्न मिला है ना जल मिला है पीने को, अब प्राण त्याग कर रहा हूं और शाप देकर उसकी कुल का क्षय कर दूंगा।
अर्जुन ने एक समझा कि अगर मैंने कह दिया मैं वही सेठ हूँ, कई ब्राह्मण की क्रोध अग्नि मुझे भस्म न कर डाले। कहते महाराज उस सेठ का मुनीम आज्ञा करें क्या सेवा की जाए, आपको दूध पीने के लाऊं या भोजन लाया जाए। कहते मैं कोई कलयुगी ब्राह्मण हूँ के चौके के बाहर खाऊं, अरे मुझे ब्राह्मणत से कराना चाहता है। कहते फिर महाराज के घोड़ा गाड़ी ले आऊं। कहते घोड़ा गाड़ी लाओगे, घोड़ा गाड़ी चलेगी, उसके धक्के लगेंगे, उन धक्कों से अगर ना भी मरना हो तब भी मेरे प्राण फिर उठ जाएंगे। अगर तेरा मारने का ही विचार है कौन देखता गला घोट दे। महाराज फिर चलोगे कैसे? कहते चलूंगा अपने कंधों पर बिठाओ। अर्जुन ने सेठ ने कंधों पर भगवान को बिठाया। इनको ये तो लीला आती है बावन से विराट बन, बस पहले तो फूल जैसे थे अब बन गए सारी त्रिलोकी का भार। दे डाला अर्जुन बेचारा क्या कर सकता था, वो घुटनों के बल गिरा, चोट लगी, फिर समझा कि कहीं मेरा पांव फिसल गया होगा मेरी गलती से। दोबारा फिर ब्राह्मण को उठाया, अब के ब्राह्मण ने इतना उस पर वजन दिया कि बुरी तरह अर्जुन गिरा, उसके दांत भी उखड़ गए। आजकल तो भाई दांतों की कोई कीमत नहीं, बल्कि पहले तो दांत अगर उखड़ जाए 6 महीने की सजा थी, अब 2 रुपया जेब से जो तब दांत निकालते। जब दांत निकल गए और फिर तीसरी बार बड़ी कठिनाई से खड़े हुए और उठाने का विचार किया, पर मन ही मन कहते हैं साधु ब्राह्मण बहुत मिले, ये साला पता नहीं कहां से आ गया, ये साला कहां से आ गया। जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा अरे क्या बुड़बुड़ाते हो? कहते कुछ नहीं। अरे चोर और चतुराई बोल भी रहे हो और बतलाते नहीं, मैंने सुन लिया तू कहता है ये साला कहां से आ गया। अच्छा भक्त के लिए हमें कोई लज्जा नहीं, हम साला ही बनेंगे। बस फिर कृष्ण रूप में आए और साला बन गए। अपनी बहन सुभद्रा का अर्जुन से लगन किया, इसी तीसरे जन्म की ओर इशारा करती है गीता, बहुनी में बतीतानी जन्मानी तब चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परम तप। इस तरह गीता की ग्रंथी समझनी हो तो गीता भवन में आओ, बड़े बड़े महात्मा आए हुए हैं, गीता के गुण तत्व आपको बतलाएंगे। भाई मैं तो केवल बाबा मुझे हट करता है कि आप चले और बोले नहीं दर्शन देना। अगर मैं दर्शन देकर उठ जाता तो लोग कहते क्यों जी बोले क्यों नहीं। इसलिए भाई केवल आप लोगों का मन अप्रसन्न न हो, इसलिए मैं छोटी सी कथा आपके सामने रख दी। और कल मैं फिर 11 बजे या 10:30 बजे कुछ आपके सामने वो दरवाजे बतलाऊंगा जिन द्वारों से प्रवेश करा भगवान के गले लिपट सकोगे। समय कर गया इनकार, भगवान को करो नमस्कार, उनकी कृपा से होगा समस्त विश्व का बेड़ा पार। सच्चिदानंद गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु गंगेश्वरानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु गंगेश्वरानंद गुरु पतित पावन गुरु गंगेश्वरानंद गुरु पतित पावन गुरु गंगेश्वरानंद गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु जय गुरु सच्चिदानंद जय गुरु गंगेश्वरानंद गुरु जय गुरु गंगेश्वरानंद गुरु पाप हरण गुरु गंगेश्वरानंद गुरु पाप हरण गुरु गंगेश्वरानंद गुरु।
परम कल्याण गुरु गंगेश्वर आनंद गुरु, परम कल्याण गुरु गंगेश्वर आनंद गुरु, भक्त वत्सल गुरु गंगेश्वर आनंद गुरु, भक्त वत्सल गुरु गंगेश्वर आनंद गुरु, जय गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, जय गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज, गुरुदेव सद्गुरु महाराज गुरुदेव सद्गुरु महाराज, बोल सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, जय जय गुरुदेव कृपा कीजो तुम हो जगत के दाता, जय जय गुरुदेव कृपा कीजो तुम हो जगत के दाता, तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही हो शंकर रूपा, तुम्ही हो शंकर रूपा तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही हो शंकर रूपा, तुम्ही हो शंकर रूपा गुरुदेवा 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 गुरुदेवा, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, जय जय गुरुदेव कृपा कीजो तुम हो जगत के दाता, जय जय गुरुदेव कृपा कीजो तुम हो जगत के दाता, रिद्धि सिद्धि लय स्वरूपा तुम हो अनादि रूपा, तुम हो अनादि रूपा रिद्धि सिद्धि लय स्वरूपा तुम हो अनादि रूपा, तुम हो अनादि रूपा गुरुदेवा 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 गुरुदेवा, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, आओ गुरुदेव दर्शन दीजो तुम हो जगत के दाता, जय जय गुरुदेव कृपा कीजो तुम हो जगत के दाता, जय जय गुरुदेव कृपा कीजो तुम हो जगत के दाता, अनाथ नाथा दीन बंधु तुम हो आनंद रूपा, तुम हो आनंद रूपा अनाथ नाथा दीन बंधु तुम हो आनंद रूपा, तुम हो आनंद रूपा गुरुदेवा 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 गुरुदेवा। यह भावनापूर्ण मधुर भजन सेठ उत्तमचंद सिकंदराबाद वाले, जिन्होंने ओरिजिनल हैदराबाद सीरीज की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग की थी, उन्होंने यह भजन और ऐसे अनेक भजन गाए हैं।